आज सालों में अपने क्षेत्र में इस तरह से विकल्प देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले ऐसा है कि पार्टी किसकी उम्मीदवारी देती है इसके ऊपर सब निर्भर करता है। पार्टी ने अगर मुझे मुझ पर विश्वास रखा, मुझे उम्मीदवारी मिली, तो निश्चित नागपुर में वैसे आप देखेंगे तो केंद्र सरकार में माननीय नितिन जी है, राज्य के मुख्यमंत्री नागपुर के हैं, और ये दोनों के माध्यम से बहुत सारा निधि, यानी कम से कम हजारों करोड़ का निधि नागपुर में आया हुआ है। हम जगह जगह शहर में देखते हैं, हर जगह पर विकास के काम बड़े पैमाने में चल रहे हैं। दूसरी बात, नागपुर में एम्स आया है, नेशनल कैंसर हॉस्पिटल जैसा हब यहाँ तैयार हुआ है, एजुकेशनल हब तैयार है, अपना जो पूर्व नागपुर में है साइका स्टेडियम है, सिम्बोसिस हॉस्पिटल है, सिम्बोसिस एजुकेशन ट्रस्ट है, और ऐसे बहुत बड़े नागपुर में अगर एजुकेशनल हब, मेडिकल हब अगर ये जो होता है, और स्पोर्ट्स के लिए साई देसाई इंस्टीट्यूट यहाँ पे बड़े प्रमाण में, अगर बच्चे यहाँ पे क्रीडा प्रो तैयार होंगे, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे एम्स आने के कारण, सिम्बोसिस के कारण अच्छे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, ये सबके दोनों ने जो काम अभी नितिन जी और देवेंद्र जी ने के माध्यम से जो चल रहे, तो नागपुर को सबको दिख रहा है, बड़े प्रमाण में नागपुर का और विकास आने वाले दिनों में होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ संभव नहीं होता, इसलिए मिहान नागपुर में आया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं था। मिहान में इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त काम चालू है, और फ्यूचर में नागपुर के तरुणाई जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार उनसे मिलने वाला है। हम जहाँ सब जानते हैं कि मुद्रा लोन के माध्यम से हजारों लोगों को नागपुर में पहला या दूसरा नवम्बर नागपुर विभाग है, हजारों युवक ये मुद्रा लोन के माध्यम से नया नया रोजगार ढूंढ रहे कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मेरे पक्ष ने अगर मुझे उम्मीदवारी अगर दी तो मैं एक ही काम करूँगा कि जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं उसके अलावा हम हमारे मतदान संघ में आज परिस्थिति ऐसी है कि टैंकर से पानी दुपकाले में लाना पड़ता है, तो टैंकर मुक्त मतदान संघ कैसा हो, एक दूसरा विषय दक्षिण नागपुर के ड्रेनेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। ड्रेनेज में कई कुएं में पानी, ड्रेनेज के गटर लाइन का मिश्रित पानी उसमें आया हुआ है, और ड्रेनेज की सबसे बड़ी सिस्टम वहाँ दक्षिण नागपुर पूरी चेंज करने पड़ेगी, तो ड्रेनेज का है, पानी का है, रास्ते तो सीमेंट रोड हर जगह पर काम चल रहा है, और दक्षिण नागपुर के तरुणाई जो यंग जनरेशन है उनका रोजगार की संधि उनको कैसे मिले, उनके लिए रोजगार कैसा प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आने चुनाव में मुझे रोजगार मिलते हैं मैं करूँगा। तीन चार साल में आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किस तरह से प्रतिशत मिला है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुषों का इतिहास हमारे बच्चों को समझना चाहिए, उसका अनुभव कर आगे चल के हम हमारे पूर्वजों का देखिए हम सब करते हैं। और छत्रपति संभाजी महाराज का जो इतिहास था वो इतिहास गलत ढंग से दर्शाया गया, और उस कारण नागपुर में संभाजी बोले तो कौन, संभाजी राजा बोले तो कौन, तो उनको एक व्यभिचारी व्यक्ति, ये छवि जन सामान्य में तकनाएंगे थी, तो जैसा तुम पढ़ेंगे वैसा तुम बोलोगे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज इतने शूरवीर थे और उनका इतिहास नागपुर में लाके नागपुर के तकनाएं को मैंने प्रेरित किया कि संभाजी महाराज जैसा राष्ट्रभक्त धर्मभक्त, तो ये सब अपनी तकनाई को ये सब समझने के लिए उनमें वो प्रेरणा आने के लिए ये सब हमारे कार्यक्रम में आयोजन होते रहे। नागपुर में हमने ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम लिया, महिलाओं के लिए कार्यक्रम लिया, सशक्तिकरण के लिए बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चों के लिए कार्यक्रम किया, और नेचुरली हमारा जो माध्यमिक लोकसभा प्रतिष्ठान है ये सेवा भवन संस्था है, ये कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, अरे संस्था के माध्यम से जो भी हम अनेक सारे बच्चे हैं जिनको गोद लिए हुए जिनके माँ बाप उनकी पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे हमने 70-80 बच्चे की पढ़ाई हम कर रहे हैं। दूसरी बात, यानी जो लोग किसान हैं, हमने पिछले वक्त किसानों को हैंडपम्प जो स्प्रे पम्प है उस स्प्रे पम्प उनको मुहैया करवाए, हमने ग्रामीण भागों में हम कहीं शहर करके काम नहीं कर रहे, हमने सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन हमने गढ़चिरौली में लगाई, गढ़चिरौली भी मेरा मतदार संघ नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता है माध्यम की हमने 4 साउथ कोरिया से मशीन बुलाई अपने फॉगिंग मशीन, तो हमारे कार्यकर्ता जाते जहाँ पे डासों का प्रादुर्भाव है, मच्छरों का प्रादुर्भाव है, वहाँ फॉगिंग करते, तो हमारे जो एनजीओ है ये सोशल एनजीओ है,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि तरुण वर्ग जो है आज बेरोजगार बेरोजगार के वो जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग उनको अगर व्यवस्थित अपने काउंसलिंग की, इनके लिए व्यवस्थित अपने काम किए, तो जो लड़का जिसमें जिसको इंटरेस्ट है वो अगर उसमें जाएगा तो वो वहाँ पर कुछ कर पाएगा। नहीं तो माँ बाप तो ऐसे है, मेरा बच्चा उसका बच्चा इंजीनियर हुआ है इसलिए मेरा बच्चा होने को ना, इसलिए उसको जमता है नहीं जमता कोई देखते नहीं, उसको भी इंजीनियरिंग में डाल देते और वो कैप्चर नहीं कर पाता, फिर वो डिप्रेशन में आता, कभी कभी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हमारा हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ के तरुणाई को व्यवस्थित मार्गदर्शन करके आने वाले दिनों में उनमें जो स्किल है वो डेवलप करके वो बच्चों को आगे कैसा बढ़ाएंगे, इस दृष्टि से ये तरुणाई के लिए मैक्सिमम काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम करना है, महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हमने तय कर लिया कि जो छोटे छोटे बचत घटाए जो बड़े समूह में आए हुए हैं उनके लिए कुछ मशीनरी हम माध्यम से उसके माध्यम से उनको देने वाले हैं, फ्री में देने वाले हैं। हमने टारगेट दिया है कि 50 लाख की मशीनरी जो महिलाओं को दक्षिण नागपुर में और उसके बाद में जो महिला काम करते हैं उनको देना है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हमारा मतदार संघ जैसा अच्छा हो, हमारा शहर जैसा अच्छा हो, वैसे संपूर्ण महाराष्ट्र कैसा, महाराष्ट्र की जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हुए, इस हिसाब से हम आने वाले दिनों में अगर मुझे पार्टी चार्ज देते तो मैं डेवलप करने का प्रयास करूँगा।